द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि ममता बनर्जी की जीत के बाद ये पहली बार होगा कि सरकार को तमाम विपक्षी दलों का सामना करना पड़ेगा और सरकार की कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दें। तो संसद का मानसून सत्र जो सोमवार से शुरू हो रहा है उसमें क्या होंगे मुद्दे, सरकार को किन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है और विपक्ष कैसे, विपक्ष की जो कोशिश होगी, अपोजिशन की जो कोशिश होगी कि सरकार को कोविड का जो सेकेंड वेव हुआ और उसमें जिस तरह से लोगों की जाने गई, सरकार की तैयारी नहीं थी, तो उन सब मुद्दों पर सरकार को वो घेरे। तो संसद के मानसून सत्र में क्या हो सकता है, क्या है सरकार की रणनीति और क्या है विपक्ष की रणनीति, तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मानसून सत्र की। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले ही कई सारी विपक्षी पार्टियों ने, जिसमें कि अकाली दल की पहल पर कई सारी विपक्षी पार्टियां गोलबंद हो रही हैं कि वो जो फार्म लॉ है जिसपे कि किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर सरकार को घेरने के लिए वो एडजमेंट मोशन मूव करें। और एडजमेंट मोशन मूव करने के लिए ज़रूरी होता है कि 50 सांसदों का उस पर सिग्नेचर ज़रूरी है और ये सारी पार्टियां लामबंद होकर अगर 50 सांसदों और ढेर सारी पार्टियां उस पर इकट्ठी हो गई तो सरकार को एडजमेंट मोशन पर जवाब देना होगा कि किस तरह से सरकार ने 3 जो फार्म बिल हैं उस पर किसानों की राय, किसानों की बात को अब तक क्यों नहीं सुना, क्यों सरकार डेडलॉक जो है उसको ख़त्म नहीं करना चाहती। लेकिन सरकार के सामने मुश्किल सिर्फ फार्मर्स या किसानों का बिल नहीं है, उससे बड़ी जो समस्या सरकार के सामने है, क्योंकि वैसे तो आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से कोविड के सेकेंड वेव में हज़ारों और लाखों लोगों की जाने गई और सरकार एक तरह से सोई पड़ी रही, सरकार बिल्कुल भी सरकार के जो तंत्र थे जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर PMO वो उस कोविड के सेकेंड वेव को सेंस नहीं कर सका। सरकार की लापरवाही के कारण जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी, वो सब इतनी नाकाफी थी कि लोग करीब 25 दिनों तक एक तरह से भारत ने एक वैसे समय का अनुभव किया जिसको कह सकते हैं कि एक विभीषिका थी। तो सरकार को इन सारे मुद्दों पर भी विपक्ष को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष कोविड का जो सवाल है उसको जोर शोर से उठाएगा और चूंकि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है कि वहाँ पे सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट नहीं होता तो सरकार उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझती और सरकार कुछ भी बोलकर निकल लेती है, वो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए निकल लेती है। लेकिन पार्लियामेंट के फोरम पे सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि अलग अलग मोशन के जरिए जिसमें कि डिस्कशन के लिए 193, 184 ये सब जो प्रोविज़न है उसका इस्तेमाल विपक्ष करना चाहेगा। हालांकि सरकार की ये कोशिश होगी कि वो कोविड का जो फॉलआउट इफ़ेक्ट है उसको नेगलीफाई करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, क्योंकि राज्यों में, ज़्यादातर राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, कुछ राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, तो वैसी स्थिति में चूँकि हेल्थ का जो मुद्दा है वो स्टेट के प्रव्यू में आता है, तो सरकार ऐसा कह सकती है कि तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में जो मौतें हुई उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है। लेकिन विपक्षी पार्टियां एक तरह से कोविड के मसले को जोर शोर से उठाएंगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। तो पहला जो मुद्दा था वो किसानों का मुद्दा, दूसरा जो मुद्दा है कोविड का मुद्दा, और तीसरा जो मुद्दा है कि जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, और जब BJP विपक्ष में हुआ करती थी तो BJP इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती थी और उसमें ढेर सारे नेताओं के, स्मृति ईरानी से लेकर रविशंकर प्रसाद के बयान हैं, उन बयानों को विपक्ष के नेता संसद में ज़रूर दिखाएंगे कि सरकार इस बढ़ती महंगाई पर, खासकर ऐसे समय में जब कोविड के कारण लाखों लोगों की जानें गई हैं, लाखों लोग रोजगार हुए हैं, उसके बाद भी सरकार महंगाई को कम क्यों नहीं करना चाहती है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इस पे विपक्ष की प्रायोरिटी होगी कि सरकार को घेरे। सरकार का जो अपना एजेंडा है उसमें सरकार ने 17 बिल पारित करने के लिए उन्होंने लगाए हैं, जिसमें कि सरकार की कोशिश होगी कि इन सारे विधेयकों को पारित किया जाए, क्योंकि उसमें कई सारे ऑर्डिनेंस हैं और कई सारे IBC के रिफॉर्म से जुड़े हुए बिल हैं। इसके अलावा लोगों के जो बैंकों में डिपॉजिट होते हैं, तो डिपॉजिट सिक्योरिटी को लेकर एक बिल है कि पहले वो जो
उसकी रकम थी 1 लाख, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सरकार की कोशिश होगी कि इस तरह के बिलों को, सरकार का जो अपना गवर्नमेंट का एजेंडा है उसको पारित कराएं, और उसके लिए 17 विधेयक को सरकार ने इंट्रोड्यूस, और साथ ही जो पिछले सेशन में बिल रह गए थे, हालांकि क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो सरकार इस सेशन में नहीं लाना चाहती, और सरकार ने ऐसा कोई इंटेंशन नहीं दिया है। बजट सेशन में ये उम्मीद की जा रही थी कि बजट सेशन के बाद मानसून सेशन में सरकार उस बिल को लाएगी, लेकिन उसकी कई सारी पेचीदगियाँ हैं, इसलिए सरकार ने क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो उसको अपने एजेंडे में नहीं रखा है। लेकिन जो सबसे बड़े सवाल होंगे इस मानसून सेशन से, वो सरकार की तीसरे वेव के लिए क्या तैयारी है, सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और बाकी अरेंजमेंट क्या किए हैं, इसके लिए विपक्ष जानना चाहेगा सरकार से, थर्ड वेव की में सरकार किस तरह से प्रिपेयर है। तो ये सारे सवाल जो हैं इस मॉनसून सेशन में कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देने होंगे, क्योंकि उसके बाद अगले कुछ महीनों के बाद जो विंटर सेशन होगा, उस समय तक सरकार को कई सारे राज्यों में बीजेपी को चुनाव का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में। लेकिन जो मॉनसून सेशन है उसमें सरकार को कोविड, महंगाई, किसानों का मुद्दा, इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। शंकर एनिमेश, द प्रिंट।